हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास ट्वेल्व का चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अपकमिंग जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम उसी पैटर्न पे है जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड ही होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। इसको हम A से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो इसकी यूनिट है उसके अलावा कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि जो इसका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, टी टाइम। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास दो टाइप में होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। और जिसमें सिर्फ एक चीज़ हो, मैग्नीट्यूड हो, वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन एज यू ऑल नो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि हम इसको एरो के साथ लिखते हैं। तो उसके बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसे जो ये इलेक्ट्रिक करंट है इसको आप स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलेंगे। यहाँ से वन मार्कर क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। सो इसका आंसर ये है कि जो ये है इलेक्ट्रिक करंट, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, स्टिल ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर कोड से रिलेटेड। कार्बन रजिस्टर होता है, इसमें ना कलर कोडिंग होती है। कार्बन रजिस्टर का बेसिकली यूज़ क्या होता है, ये परसेंटेज एक्यूरेसी बताता है और रेजिस्टेंस वैल्यू से हमें पता चलती है। अब क्वेश्चन ये गिवन है कि जो 4 और 7 है, ये 4 डिजिट और 7 डिजिट, इनका कलर कोड क्या होता है कार्बन रजिस्टर के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको ना कार्बन रजिस्टर की पूरी चेन दे रखी है किस तरीके से होता है। इसकी ट्रिक होती है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अब इसमें जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे हैं, जो BBROY है, यहाँ पे इनकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट होके 4 तक खत्म होता है। उसके बाद में ग्रेट में से हम G लेंगे जिसकी वैल्यू होगी 5, ब्रिटेन में से B लेंगे जिसकी 6 होगी, वेरी में से V लेंगे जिसकी 7 होगी, जी गुड में से G लेंगे जिसका 8 होगा नंबर, और वाइफ में से W लेंगे जिसका 9 नंबर होगा। तो ये जो मैंने चेन दे रखी है इसमें वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके अलावा ये जो कार्बन रजिस्टर है इसमें से जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये कि जो ये वैल्यूज हैं, मतलब जैसे ग्रेन है, सॉरी ब्रिटेन में से बी मैंने लिया है, वेरी में से वी लिया है, वाइफ में से डब्ल्यू लिया है, इनकी जो नंबरिंग है, इसके अलावा इनका कलर कोड क्या होता है। सो सबसे पहले बी ब्राउन, ब्लू ब्राउन, सॉरी ब्लैक ब्राउन, आर रेड होता है, ओ ऑरेंज, वाई से येलो हो गया, जी से ग्रीन, बी से ब्लू और वी से वॉयलेट, जी से ग्रे एंड यहाँ पे वाइफ डब्ल्यू का वाइफ। तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रीन सॉरी ग्रे एंड 9, ये कुछ कलर्स थे। अगर क्वेश्चन में आता है कि 4 और 9 पे कौन सा कलर कोड है, तो देखिए 4 कौन सा है, यहाँ पे येलो, तो 4 पे कौन सा कलर कोड है, येलो। और उसके बाद में 7 का पूछा जाता है, 7 पे वी है, इसका जो कलर कोड होगा वो होगा वॉयलेट। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है। अभी जो चैप्टर है ना, या फिर जो आपके मिड टर्म में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, फर्स्ट बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट आ रही है, तो इसमें से जो चैप्टर्स है ना उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है ना वो है SI यूनिट का। SI यूनिट के लिए मैंने अलग से हर एक चैप्टर की सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट SI यूनिट्स मिल जाएंगे। अगर आपको वो वीडियोस देखने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के SI यूनिट्स को कवर करवा रखा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, यहाँ पे है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस की SI यूनिट बतानी है,
सो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, ओम का सिंबल यहाँ पे है। और इसके अलावा जो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो है आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। वी वोल्टेज हो गया, आई करंट हो गया, और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये रिलेशन होता है ओम्स लॉ का, वहीं से ये फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ है। सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, हेयर आर इज रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, वी वोल्टेज हो गया, आई करंट जिसको विद्युत धारा भी कहते हैं। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोला गया है कि क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर तापमान को बढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है। सबसे पहली चीज रेजिस्टिविटी जो है उसको रो से डिनोट करते हैं, ये जो रेजिस्टिविटी है इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि कौन से दो एलिमेंट्स है जिसको टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो नेम द टू मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। ऐसे दो एलिमेंट्स के आपको नाम बताने हैं, दो मटेरियल्स के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट वन इज जर्मेनियम एंड सेकेंड वन इज सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ना, ये सेमीकंडक्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। बार 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 इसी मटेरियल की बात होगी, ठीक है। सो सबसे पहली चीज जर्मेनियम एंड सेकेंड वन इज सिलिकॉन। आंसर इसका इतना ही है, बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जर्मेनियम जो होता है इसका अटोमिक नंबर 32 होता है, सिलिकॉन का अटोमिक नंबर 14 होता है। ये इनके सिंबल है। जर्मेनियम को जी से डिनोट करते हैं, सिलिकॉन को एसई से डिनोट करते हैं। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट पॉइंट जो आप इसमें लिख सकते हैं, जर्मेनियम में डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सॉरी जर्मेनियम में डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड सिलिकॉन में डी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि उस डिवाइस का नाम बताना है जो ईएमएफ किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अदर क्वेश्चन इज नेम द डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी सेल के ईएमएफ को यूज करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं। सो इसका आंसर है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी सेल का ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट या मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है इसी के अंदर एक टर्म आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसके लिए फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के इज इक्वल टू वी अपॉन में एल। के जो सिंबल है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, वी वोल्टेज, एल लेंथ हो गई। इसके अलावा जो इसकी एसआई यूनिट है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वो है वोल्ट पर मीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ये जो ये इस टाइप की सीरीज मैंने स्टार्ट करी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसका फर्स्ट पार्ट है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। जब तक इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर भी करिए। एंड थैंक यू सो मच।